नागौर जिले के मेड़ता सिटी के आसपास के क्षेत्रों में लॉकडाउन के बीच कई मौतें हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते इन दिवंगत लोगों की आस्था घर में ही पड़ी थी। मान्यताओं के अनुसार दिवंगत लोगों की अस्थियां हरिद्वार गंगा जी में विसर्जन की जाती हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वाहनों को परमिशन नहीं मिलने से अस्थि कलश हरिद्वार और पुष्कर में विसर्जित करने के लिए मेड़ता के पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल थामनी ने ऐतिहासिक पहल करते हुए मृत परिवार से दो परिजन को हरिद्वार व पुष्कर भेजने का बेड़ा उठाया था, जिनकी जितनी सराहना की जाए कम है। वहीं राज्य सरकार से छूट मिलने के बाद कई लोग अपने निजी वाहनों से हरिद्वार व पुष्कर के पवित्र सरोवर में अस्थियां विसर्जन करने पहुंच रहे हैं। आज भी मेड़ता के पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल थावनी मेड़ता क्षेत्र के 23 लोगों की अस्थियां, उनके परिजनों सहित 14 लावारिश लोगों की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में अस्थियां विसर्जन करने के बाद आज गुरुवार को पुष्कर पहुंचे। पुष्कर पहुंचने के बाद पवित्र सरोवर के मुख्य घाटों पर सभी ने अपने पुश्तैनी पुरोहितों से पूजा अर्चना करवाकर अस्थियां विसर्जन कर पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। मेड़ता के पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल थावनी मेड़ता में कोई भी लावारिस व्यक्ति की मौत हो जाने पर वह स्वयं उनका दाह संस्कार कर हरिद्वार और पुष्कर अस्थियां विसर्जन कर रहे हैं तथा 12 दिनों के सभी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आज भी 14 लावारिस लोगों की हरिद्वार अस्थियां विसर्जन कर पवित्र सरोवर में विसर्जन कर सब पत्नी उनका अपने पुश्तैनी पुरोहित से तर्पण किया। मेड़ता से हरिद्वार के लिए जो लॉकडाउन होने के कारण कई लोग हैं जिनके घर में मौत हो गई थी, लेकिन वो अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थियां हरिद्वार नहीं ले जा पाए, तो मैं मेरी स्वर्गीय माताजी शोभा देवी थानवी की स्मृति में मेरी मेमोरियल सेवा समिति है। मैं पिछले कई लंबे टाइम से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी करता हूं। आज सहयोगवश मैं कल जिला कलेक्टर महोदय की परमिशन से हम लोग हरिद्वार गए। सभी मेरे साथ कम से कम 23 परिजन थे और 14 अस्थियां लावारिसों की मैं यहां से लेके गया था। 101 हो गई, तो मैंने भी पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना करने का आज प्रोग्राम बनाया। निश्चित तौर पे मानव जीवन में गुरु पुराण में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई परिजन नहीं है तो ब्राह्मण का दायित्व है, तो मैंने हमेशा ब्राह्मण के दायित्व के हिसाब से, चूंकि मैं ब्राह्मण कुल से हूं, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि किसी व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार है 16वां संस्कार, उसकी भी उसको प्राप्ति होनी चाहिए। तो हमारी संस्था पिछले लंबे टाइम से लावारिसों का अंतिम संस्कार करती है, फिर उनकी अस्थियों को मैं हरिद्वार लेके जाता हूँ। टोटल कितने मेंबर लेके सर? अभी हमारे साथ 35 व्यक्ति थे, जिसमें से 23 परिजन 23 अस्थि कलश के साथ थे और 14 अस्थियां मेरे पास थी। तो हम लोग कुल, जिला कलेक्टर महोदय की परमिशन थी 1 तारीख से 3 तारीख तक की, और 35 लोगों का दल मेड़ता से हरिद्वार के लिए यात्रा में गया था।